नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक ग्रामर करने वाले हैं जिसका नाम है रिमूव टू। मीन्स मतलब है टू को हमें सेंटेंस से हटाना रहेगा। तो बहुत इजी है, इस ग्रामर के टॉपिक को आप अच्छे से देखिए जिससे आपको ये ग्रामर आ जाएगा। तो ग्रामर स्टार्ट करने के पहले हम इसके रूल्स है जो वो देख लेते हैं। देखिए, जो भी सेंटेंस हमारा दिया रहेगा उस सेंटेंस में अगर टी डबल ओ हो तो वहाँ पे हम सो लगाएंगे, और दूसरा टी ओ हो उसको भी निकालना रहता है सेंटेंस में। अगर टी ओ हो तो वहाँ पे उसको रिमूव करके हम लिखना है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन और कुड नॉट। कैन और कुड नॉट कभी लगाएंगे वो ध्यान दीजिए। अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो कैन लगाएंगे, और पास्ट में है तो कुड लगाएंगे। अगर सेंटेंस अगर निगेटिव है तो वहाँ नॉट भी नहीं लगाना है। अगर पॉजिटिव है तभी हम वहाँ पे नॉट लगाएंगे, मतलब इस टी ओ की जगह क्या लिखेंगे दैट प्लस सब्जेक्ट कैन और कुड नॉट। और भी कुछ चेंजेस हैं वो भी देख लीजिए। अगर सेंटेंस में फॉर मी टू रहे तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट के बाद, वहाँ पे हमें सब्जेक्ट कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमें फॉर मी टू है उसकी दैट आई लिख देंगे, और फॉर हिम टू रहे तो वहाँ पे दैट ही लिख देंगे, फॉर हर टू रहे तो वहाँ पे दैट शी लिख देंगे, अगर फॉर देम टू रहे तो वहाँ पे दैट दे लिख देंगे, और फॉर अस टू रहे तो वहाँ पे हम दैट वी लिख देंगे। ये सारे रूल्स हैं, इन रूल को ध्यान देते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है सी इज़ टू ब्यूटीफुल टू लुक। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में हमें क्या करना है, रिमूव टू मतलब टी डबल ओ को हटाना है और टी ओ को भी हटाना है। जहाँ टी डबल ओ वहाँ हटाने के बाद हम क्या लिखने वाले हैं, सो लिखने वाले हैं। तो सी इज सो ब्यूटीफुल। अब इस टू की जगह हमें क्या लिखना, मैंने आपको लिख के बता दिया था, उसमें लिखना है सब्जेक्ट दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन और कुड नॉट। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस है मतलब कैन लगने वाला, और सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट भी लगेगा, तो दैट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हेल्प सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ है, शी दिया है। अगर कोई जेंट्स रहेगा तो हम ही लिखेंगे, लेडीज रहेगी तो शी लिखेंगे, और लेडीज जेंट्स अगर नहीं होता है तो हम वहाँ पे इट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, शी है तो शी लिख देते हैं, दैट शी कैन नॉट। कैन नॉट क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, ये जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट टेंस में, इसे हमने कैन लगाया, और नॉट नहीं दिया था, नॉट भी जोड़ दिए। सी इज सो ब्यूटीफुल दैट सी कैन नॉट लुक। नेक्स्ट वाला हमारा, द मैंगो वॉज टू चीप टू बाय। यहाँ पे भी टू है, टी यू यहाँ भी टू है। चलिए लिखते हैं, द मैंगो वॉज टी डब्ल्यू इन क्या लिखेंगे हम, सो द मैंगो वॉज सो चीप दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे द मैंगो का इट लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके, इट इट, और यहाँ पे है वाज है, वाज रहे तो क्या लगाएंगे, कैन या कुड नॉट, लेकिन नॉट नहीं दिया तो कुड नॉट भी लगा देंगे, दैट इट कुड नॉट बाय। नेक्स्ट हमारा है, द कबर्ड इज टू हैवी टू मूव। यहाँ पे भी हमें रिमूव टू करना है, मतलब टी डबल ओ को हटाना है, टी ओ को हटाना है, तो आंसर में लिखेंगे द कबर्ड इज टी डबल क्या लिखेंगे, सो हैवी दैट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कबर्ड, कबर्ड की क्या लिखेंगे, ईट दैट ईट, यहाँ पे इज दिया है मतलब प्रेजेंट टेंस है तो कैन लगाएंगे, दैट ईट कैन नॉट मूव। नेक्स्ट है, द किंग वाज टी डब्ल्यू क्या लिखने वाले हम, सो द किंग वाज टू क्रूअल टू फॉरगिव एनीबॉडी, तो टी डब्ल्यू क्या लिखा हमने, सो लिख दिया, सो क्रूअल, यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द किंग, द किंग के लिए क्या लिखेंगे, ही, और यहाँ पे वाज है मतलब कुड नॉट रहेगा, वाज है तो कुड नॉट, आगे पूरा वैसे उतार लेंगे, फॉरगिव एनी बडी। इस तरह मैंने चार एग्जांपल किया है जिसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए एग्जांपल नंबर फोर हम यहाँ पे लेते हैं, रमेश इज टू वीक टू वॉक। यहाँ पे देखिए टी डब्ल्यू हम क्या लिखने वाले हैं, सो, चलिए लिखते हैं हम आंसर में, रमेश
इज टी डब्ल्यू यहाँ क्या लिखा हमने सो वीक, और यहाँ पे क्या लिखना है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन और कुड नॉट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है रमेश, रमेश क्या आ जाएगा ही, और सेंटेंस हमारा क्या है प्रेजेंट में है तो कैन लिखेंगे, और नॉट नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, कैन नॉट दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट हमारा है द ग्रास इज टू वेट फॉर देम टू सीट, तो यहाँ पे क्या है जो टी डब्ल्यू क्या लिखेंगे सो। अब देखिए यहाँ पे फॉर देम टू ये पूरा आ गया है तो हमें सब्जेक्ट आगे से ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सब्जेक्ट यहाँ से फॉर देम रहे तो क्या लिखते हैं दे। चलिए लिख लेते हैं आंसर द ग्रास इज सो वेट दैट, उसके फॉर देम है तो क्या लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे दे, दैट दे, और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो कैन, That they cannot sit. Next, the stone was too heavy for me to remove. यहाँ पे देखिए for me to आ गया है पूरा हट जाएगा, और for me to ये क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में हम that I. चलिए the stone was too heavy, टू डबल के क्या लिखे हम so, so heavy that I, और यहाँ पे was है तो क्या लगेगा could, that I could not remove. Next हमारा last है the question was too difficult for them to understand, यहाँ भी for them आ गया मतलब subject हमें आगे से लिखने की जरूरत नहीं है, subject हम वहाँ पे for them आया तो क्या लिख देंगे that they, answer हो जाएगा हमारा the question was टू की जगह क्या लिखेंगे सो डिफिकल्ट दैट दे, यहां पे क्या है वाज है तो क्या लिखेंगे कुड, दैट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमने टोटल 8 एग्जाम्पल लेके समझा दिया है, कुछ और भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे हमने रिमूव टू कंप्लीट कर दिया, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक रिमूव टू कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।